गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने चैनल में मोनास लाइफ विद सोमन साहिबा। अभी मैंने सुबह फटाफट से बनाई है तोरी की सब्जी, क्योंकि फ्रेश फ्रेश तोरी दी थी शाम को भैया ने, मैंने लेट ली सब्जी और बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लगा अभी सुबह ही बना लेते हैं इसको, दोपहर तक वेट नहीं करना है। बहुत अच्छी तोरी और सच में बहुत अच्छी निकली और बना ली है मैंने। साथ में मैंने आटा गूंदा है, आटा जो कि मैंने छान के निकाला है, मैं आपको बताऊंगी। और बाहर हो रही है बहुत ज्यादा तेज बारिश, हम बारिश लेके ही आए हैं। सुबह से बारिश हो रही है, 6 बजे से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बिल्कुल काले बादल और बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है। गर्मी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है दिल्ली में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बारिश। आप बोलोगे हर जगह बारिश 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 दिखाती रहती है, लेकिन देखना तो बनता है। मेरा ना ये वाला प्लांट खराब हो गया, इसको निकालना पड़ेगा, कोई और लगाना पड़ेगा। और ये वाला टेढ़ा हो गया, ये बेचारे पीछे से, बाकी सब ठीक है। आज ये थोड़ी सी बालकनी साफ करनी है और अभी पानी वानी हो रहा है और कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए, बहुत ज्यादा कपड़े हो रहे थे। बाकी प्लांट्स ठीक ही है मेरे, और देखिए कह रहे गड़गड़ 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 कर रहा है। देखो यहाँ भी मैसी हो रहा है। अभी सारे कपड़े ये साफ हैं जो कि मैंने वहां पे धोए थे, सारे अलमीरा में रखने हैं मेरे को। ये बैग वैग सब रखने हैं जो हम लेके गए थे, इसमें कर्टन है जो बच गए थे। और बस ये करना है, पहले हम खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। आज अच्छे से खाना ही खाएंगे हम, तोरई और रोटी, देन उसके बाद ये सब काम करेंगे एनर्जी लेके। ये मैंने आटा छाना है, मैं इसको छानती नहीं हूँ। ये जो चोकर होता है ना, ये जो गेहूं का, ये इसके अंदर ही जाना चाहिए, अच्छा ही रहता है। लेकिन मैंने ये निकाला है क्योंकि मुझे इससे अपना फेस स्क्रब बनाना है, जो मैं करूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसे, इसलिए मैंने इसको छाना है, वरना मैं छानती नहीं हूँ। और ये है चक्की का आटा, चक्की वाला आटा है ये, इसलिए इसमें ये ज्यादा निकला है। घर के काम है ना, सच में कभी खत्म नहीं होते। यहाँ भी अब ये सारा खलारा पड़ा हुआ है, इसको समेटना है मेरे को, बहुत टाइम लग जाएगा आज। और कपड़े आज अंदर ही डालने पड़ेंगे, बच्चों की क्लासेस लगी हुई हैं, एग्जाम इनका हो गया है। फटाफट से हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पहले बनाती हूँ तब तो करेंगे, ठीक है? तो पहले बना लेते हैं फिर खाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो निकला था ना आटे का चोकर जो मैंने छाना था, वो लिया है मैंने। और ये है मेरे पास, हाँ हाँ कहाँ गया, ये डाबर का गुलावरी गुलाब जल, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मेरे पास क्या हुआ, कर्ड ना, देखो कर्ड खत्म हो गया, नहीं तो मैं कर्ड इसमें डालती। अभी मैं सिर्फ ये डालूंगी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, देन मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर लूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने पेस्ट बना के रख दिया है, 10 मिनट तक इसको ऐसे रहने दूंगी, क्योंकि इसके जो थोड़ा सा ये फूल जाएगा ना, थोड़ा सा हल्का सा, देन इसको इसके बाद इससे मैं अपने फेस को स्क्रब करूंगी और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी, जो कि मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद आपको। और उससे पहले मैं अपने बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, 10 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं अप्लाई करती हूँ। बर्तन वर्तन क्लीन कर लेती हूँ, ये हो चुके हैं बर्तन मेरे, इनको रख देती हूँ और वो क्लीन करने वाले हैं, उनको कर लेती हूँ फटाफट से। बहुत ज्यादा काम है आज और बाहर बहुत ज्यादा तेज वाली बारिश लगी हुई है, बहुत तेज। और आज कपड़े वपड़े का बहुत सारा काम है मेरे को, तो फटाफट से समेटना पड़ेगा मेरे को आज। आज ना फटाफट से काम समेटना पड़ेगा, सुपर एक्सप्रेस बनना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ काम तो बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ ये अप्लाई भी हो जाएगा फेस पे और हमारा काम भी हो जाएगा, फेस भी ठीक हो जाएगा। और हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गए, ऑफिस जाना था क्योंकि सुबह 6 बजे से बहुत ज्यादा तेज बारिश स्टार्ट हो गई थी और इनको 8 बजे निकलना था, और तब तक तो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। और अच्छा हुआ हम कह रहे हैं कि नहीं गए, क्योंकि गुड़गांव वगैरह में रास्ता वगैरह जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है इनको, तो अच्छा हुआ। अभी ये घर पे ही है तो वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खलारा पड़ा हुआ है, खलारा मैसी हो रखा है बहुत ज्यादा घर। और बच्चे भी क्लासेस कर रहे हैं और उनकी भी आज मीटिंग वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा शांत होके वहां पे बैठे हुए हैं। तो मतलब शांत होके बैठे हुए हैं, मतलब थोड़ा शांति में बैठे हुए हैं। क्या बोलती रहती हूँ यार मोनिका, कुछ भी व्यूअर्स देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या पागल है यूट्यूब वीडियो बनाती है, सोचते हो क्या ऐसा?
मुझे पता है जो मेरे सच्चे सच्चे फ्रेंड्स हैं, सच्चे व्यूअर्स हैं, वो नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अब हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, हमारे पास डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हमारे पास वो हमारी कमियां निकालने वाले, अकेली हूं मैं बेचारी, अकेली सब कुछ करना पड़ता है, क्या करें, और सब लोग अकेले ही करते हैं यार। तो चलिए, मैं कभी कभी सोचती हूँ बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊंगी ना, तब मैं अपने लिए ना एक एडिटर रखूंगी और उसको मैं ऑर्डर दिया करूंगी, मेरी वीडियो अच्छे से एडिट कर देना, ये कर देना, वो कर देना। पता नहीं कब आएगा वो टाइम। कुछ भी अप्लाई करने से पहले फेस वॉश जरूर कर लेना चाहिए। फेस वॉश मैंने कर लिया है विद माई फेवरेट वाव का फेस वॉश, और अभी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही गीला फेस करके ही करना है, इसको सुखाना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई ड्राई है, सूखा सूखा सा। पहले इससे मैं हल्का सा इसको स्क्रब करूंगी। तीन से चार मिनट तक मैंने इसको स्क्रब करके अपने फेस पे ऐसे ही रहने दिया है। जैसे आप स्क्रब करोगे ना, ऐसे ही रहने देना। और एक बात का ध्यान रखना कि नहाने से पहले करना, क्योंकि ये जो है ना, ये नीचे गिरते हैं बहुत सारे, आपके ड्रेस वगैरह ये सब खराब हो सकता है। और हाथों पे भी आप अच्छे से स्क्रब कर सकते हो, मेरे पास थोड़ा सा बच भी गया है, उससे मैं अपने जब नहाऊंगी ना तो अपने पैर वैर अच्छे से साफ कर लूंगी। और ये मैंने हाथों पे भी अच्छे से स्क्रब कर लिया है। अभी मैं नहा ली हूँ, मेरे को झाड़ू पोछा करते जितना टाइम हुआ उतना टाइम मैंने रखा था, और बाद में मैंने हल्के हाथों से इसको साफ कर लिया था, और बस उसके बाद पानी से फेस को धो लिया था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने स्किन केयर नहीं किया था। वहाँ भी गई थी मैं अपने ना, ये वाओ के जो प्रोडक्ट्स मैं लगाती हूँ ये लेके जाना ही भूल गई थी वहाँ पे मैं। तो फेस वॉश था बस एक साहिबा का, वो प्योर क्लीन एंड क्लियर वाला, तो वही लेके गई थी, बस उसी से मैं कर रही थी। तो अभी काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है मुझे। और अभी क्या है, हस्बैंड का प्रोटीन शेक देना है, और अभी फ्रूट्स मैंने धोए हैं, कल मैंने रास्ते से लिए थे द्वारका से, तो काफ़ी अच्छे भैया कह रहे थे बिल्कुल फ्रेश हैं ये, बिल्कुल पेड़ों से तोड़े हुए एकदम से फ्रेश है। ऑब्वियसली पेड़ों से तोड़े होंगे, लेकिन एकदम से फ्रेश है, क्योंकि इनके साथ ना बिल्कुल ऐसे पत्तियाँ भी लगी हुई हैं बिल्कुल ना, तो बड़ा अच्छे से लग रहा है ये। और मैं और बच्चे ये फ्रूट्स खाएंगे, और हस्बैंड को अभी प्रोटीन शेक दे देती हूँ। और मैंने वॉश वगैरह सब कर दिया है इनको अच्छे से, अमरूद और सेब लिए थे मैंने कल, ये सारे मैंने धो के रख दिए अच्छे से। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, इनको काफियों के तो निकल भी गए वो पत्ते, इनको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया ताकि मैं आपको दिखाऊं। देखो कितने अच्छे से लग रहे हो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल जैसे देसी होते ना उस टाइप की आ रही है। तो ये हो गए हमारे अमरूद, मैं और बच्चे, और हस्बैंड का प्रोटीन शेक दे देती हूँ। फ्रेंड्स लंच हमारा हो गया था, लंच में मैंने बनाया था पुलाव, और बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो इस बीच में मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी। और सच बताऊं तो मैं बैटरी, अब फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, और मेरे को ये भी ध्यान नहीं था, मैंने जस्ट अभी लगाया है इसको चार्जिंग पे, और थोड़ी देर मैंने आराम किया था। बस अभी थोड़ी सी मुझे सब्जी लेनी है, प्याज वगैरह देखती हूँ, कोई भैया जा रहे हैं तो मुझे प्याज वगैरह लेने हैं, प्याज नहीं है मेरे पास, सब्जी कल तो रही और भिंडी तो मैंने ले ली थी, प्याज वगैरह ले लूंगी। और क्या कहते हैं, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और आज मैंने चाय नहीं पी है दिन में, मैं चाय कम कर रही हूँ बहुत, पहले भी मैंने कम कर दी, सुबह की चाय मैं बिल्कुल नहीं लेती थी, लेकिन जब वहां पे गए ना हम अभी 5-6 दिन के लिए, तो मैंने सुबह चाय लेना स्टार्ट कर दिया। सुबह में चाय बिल्कुल बंद कर चुकी थी, अभी फिर से भी सुबह वाली चाय तो बंद कर रही हूँ, साथ में ही सोच रही हूँ शाम को मैं चाय ना लूँ, हो सके तो जैसे दोपहर को होता है जैसे हम लोग काम करके थक जाते हैं उस टाइम थोड़ी सी मैं ले लूँ चाय, बाकी मैं चाय बंद कर रही हूँ सिर्फ एक टाइम दिन में, मॉर्निंग टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी, बाकी दिन में एक बार ही लूंगी, ये कोशिश है मेरी। चाय इतनी अच्छी होती नहीं है, रिलैक्स करती है हमको बहुत ज्यादा, और एक कप चाय बस, जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, एक कप चाय खुद के साथ हो जाए, एक कप चाय दिन की बहुत होती है,
तो वही मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने शाम को चाय नहीं ली है, तो शाम की आदत पड़ी हुई पड़ जाती है, गलत आदत फटाफट से पड़ जाती है। लेकिन वो वाली चाय बिल्कुल नुकसान नहीं करती, अगर आप उसमें अदरक, तुलसी और अपने जो मसाला होता है ना, ये सब डाल के अगर आप लो ना थोड़ी सी, तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है आपको चाय। हाँ, बार बार फ्रीक्वेंटली एक घंटे बाद लेना वो थोड़ा नुकसान कर सकता है। अगर आप बोलते हैं ऐसे कि 2 कप अगर आप दिन में लेते हो, हाँ खाली पेट ना लीजिए, 2 कप आप दिन में लेते हो तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, हर्बल टी बना के जैसे बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स उसमें डाल के। और ये वाले कर्टन्स मेरे अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पे मैंने पुराने लगाए हुए हैं। अगर ये वाले कर्टन वहाँ पे लगते हैं ना तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि व्हाइट है ना, व्हाइट वॉश पूरा व्हाइट हो रखा है, तो उसके साथ ये स्काई ब्लू वाले काफी अच्छे जाते हैं। ठीक है, बातें बहुत ज्यादा करती हूँ, प्यास देख लेती हूँ कोई आया है कि नहीं आया है, थोड़े से बर्तन है मेरे और शाम का भी रात का मुझे खाना प्रिपेयर करना है, तो वो कर लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, ज्यादा और कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ आज, पता नहीं क्यों। आज मैंने वो वाला बैग दिखाया था ना मैंने आपको कपड़ों वाला, वो मैंने अब खाली किया है, और अब जबकि 8 बज रहे हैं और खाना मैंने चढ़ा दिया है, बस रोटी बनानी है अभी। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूं, और कल भी मुझे फटाफट से उठ के सारा काम समेटना है, दोपहर का लंच बनाना है, क्योंकि मुझे जाना है, कहाँ जाना है, वैक्सीनेशन करवाने। जी हाँ, मेरे को सेकंड डोज लगेगी, तो सेकंड वैक्सीनेशन के लिए मुझको जाना है, उसी हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे हम लोग पहले गए थे फर्स्ट वाली पे। तो आज भी फटाफट से अभी मैं काम समेट के सो जाएंगी, सुबह भी जल्दी उठ के काम समेटना है, बहुत ज्यादा काम हो गया ये ना, एक हफ्ता मेरा बहुत ज्यादा बिजी गया है। तो मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर दूं, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर मुझे, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मेरे बहुत ही ज्यादा कम व्यूज हैं, इतने ज्यादा नहीं है, 100-150 तक होते हैं, उसमें भी 30% लोग जो है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है, जो हमेशा देखते हैं मेरे ब्लॉग्स। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, लव यू, टेक केयर।